नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आज सुबह से ही अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है। इसी सिलसिले में चलिए हम आपको गोपालगंज लिए चलते हैं, जहां गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया है। और ट्रेन को रोका ही नहीं गया है, बल्कि ट्रेन में जमकर आगजनी भी की गई है। जी हाँ, भीषण आग लगाया गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी छपरा की जो तस्वीरें निकल कर आई थी, वहां पर भी आगजनी की गई थी। पहले सड़कों पर आगजनी की गई, टायर को जलाए गए, अब ट्रेनों को जलाया जा रहा है। जमकर पत्थरबाजी के साथ साथ नारेबाजी भी की जा रही है। और लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से ट्रेन को बाधित करने का, ट्रेन के परिचालन को ठप करने का, साथ ही ट्रेन में आग लगाने का भी वीडियो सामने आ रहा है। ये खबर हम आपको गोपालगंज की दिखा रहे हैं, जहां पर जो ट्रेनों में आगजनी की गई है। आपको बताते चले कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15080 को आग के हवाले कर दिया गया है। छात्रों की आग लगाने की वजह से ट्रेन धू धू कर जलने लगा। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पूरा माहौल है बहुत ज्यादा ही गड़ब हो गया है। यानी कि अब बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। सुबह से लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब ऐसे में जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे जो तस्वीरें है प्रदर्शन की वो और उग्र होते जा रही है। यानी कि छात्रों का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। पहले छपरा से शुरुआत होती है ट्रेन में आगजनी की, अब ये तस्वीरें गोपालगंज तक पहुंच गई है। अब गोपालगंज में भी आगजनी की गई है, ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। जो ट्रेन है वो गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि इससे पहले जब छपरा में आग लगी थी ट्रेन में, तो बड़ी संख्या में जो है फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया था। और बहुत मुश्किलों के बाद उस ट्रेन पर, उस आग पे काबू पाया गया। लेकिन अब ऐसे में जो गोपालगंज से तस्वीर आई है, बहुत ही डरावने वाली तस्वीर है। कहीं ना कहीं छात्रों का जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है। छात्र काफी नाराज है, काफी गुस्से में दिख रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये सुबह से तस्वीरें निकल कर आ रही है और सुबह से ही हम आपको बिहार इंसॉर्ट्स लगातार आपको दिखा रहा है कि कौन से जिले में अभी कैसी हालत है, वहां पे छात्र किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुबह में जब शुरुआत हुई थी प्रदर्शन की, तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। हाथ में लाठी डंडे जरूर थे छात्रों के, लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, छात्र और उग्र होते चले गए। पहले तोड़फोड़ किए, उसके बाद अब बात आगजनी तक पहुंच गई है। पहले सड़कों पर जमकर आगजनी की गई, पहले बसों को तोड़ा गया, ट्रेन में तोड़फोड़ किया गया, अब ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। ये ताजा तस्वीरें गोपालगंज से निकल कर आई है, जहां पर गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया है। बड़ी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर मौजूद है और जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद सिद्धवलिया रेलवे स्टेशन पर लोगों में भगदड़ मच गई है। वही स्थानीय लोग ट्रेन में लगी आग का वीडियो भी बना रहे हैं। आपको बताते चले कि कैमूर में भी आक्रोशित छात्रों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब हमलों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र या कोई भी आम जन की हताहत होने की जो खबर है वो सामने नहीं आई है, जो कि अच्छी खबर है। सभी यात्री, सभी लोग जो है वो सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि ट्रेन को आग के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार पर कोई दबाव पड़ता है। इतना भयंकर प्रदर्शन, इतना उग्र तरीके से प्रदर्शन होने के बाद आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।